अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम आए हैं हुरब को लेने के लिए और बाहर का मौसम एकदम से बहुत ही हसीन हो गया है। ये देख, ये फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे आसपास, बारिश के कतरे। अब जाते हैं हुरब को लेके आते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। बारिश ने तो इंतहा कर दी, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है और हुरब के जो है स्कूल का टाइम हो गया। अब देखें कैसे उतर के जाके उसको लेकर आते हैं, क्योंकि हम अम्ब्रेला भी नहीं लेकर आए साथ में। अस्सलाम वालेकुम हुरब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? चलो आते साथ गाड़ी में बैठते साथ जूस का है। कैसा आपका डे हुरब? अलाया मेरी दोनों घासी पकड़ के रखी हो। Hurab, how was your day? ठीक है मैम, लोगों को। Where's your toy? टॉय भी नहीं लेकर आई? ये बच्चे जबरदस्ती फोर्सफुली मुझसे टॉय लेकर गई है और स्कूल में छोड़ा है, वापस नहीं लेकर आ रही। मैंने आपको सुबह याद कराया था ना, फिर क्यों नहीं लिया हमने? ओह वाह, आपको याद है ये क्या है? ये पाकिस्तान है, मामा आपको लेकर गई थी यहाँ पे। पूरा सारा जूस फिनिश कर दिया है। कैसा था जूस? मजेदार। मजेदार था। आज बहुत ट्रैफिक थी क्योंकि आज बारिश हो रही थी और बारिश के साथ फ्राइडे भी था, सब लोग सभी स्कूल का टाइम चेंज था। बहुत ट्रैफिक के बाद जाना, फाइनली हम पहुंच गए हैं घर की तरफ। अच्छा, इतनी ज्यादा बारिश अंदर भी आ रही है। और अलाया ने भी बहुत तंग किया है। अलाया आपने तंग किया है? अलाया आपने तंग किया है? और पानी अंदर आ रहा है। अलाया पानी अंदर आ रहा है जी बेटा, पानी अंदर आ रहा है। हुरब को बहुत टेंशन है, बेचारी को बहुत ही ज्यादा फिक्रें लगी हुई है। हुरब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुई हुई है। बस फिर हम आए घर, घर आकर डिनर की तैयारी की और डिनर में बन रहा था लज़ानिया। लज़ानिया काफ़ी दिन से नहीं खाया था और मुझे बहुत पसंद है, मैंने कहा चले आज लज़ानिया बनाया जाता है। और लज़ानिया शीट को मैंने बॉईल कर लिया था, इसके साथ वाइट सॉस बन रही है। वाइट सॉस इसकी मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं आपको दूँगी, क्योंकि अगर आपको चाहिए होगी फिर मैं दोबारा से शूट करूँगी। अभी जस्ट जो मैं बना रही थी मैंने कहा उसी को रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि हमारा लज़ानिया कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, हम ऐसा लाइक करते हैं। तो आप में से किस किस को लज़ानिया पसंद है मुझे लाजमी कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को कौन सी रेसिपी पसंद है वो भी ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। तो बस यही आजकल की जो रूटीन है ये चल रही है, और ये महीना आपको पता ही है बहुत स्पेशल है। तो अच्छा, खाने का जो टेस्ट है ना, मुझे लगता है कि वो आपके उसका जो लिंक है ना वो दिल के साथ होता है। अगर आप दिल से खाना बना रहे हो तो उसके अंदर उतना ही अच्छा टेस्ट आता है, और अगर आप दिल से खाना नहीं बना रहे तो वो खाना अच्छा नहीं बनता, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी सोच है। तो बस मैं लज़ानिया में जो है ना वो चीज़ डालती हूँ, मुझे चीज़ अच्छा लगता है, थोड़ा सा चीज़ी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ी मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ हम जो है इसके अंदर यूज़ कर रहे थे मटन का कीमा, तो मटन कीमा के साथ आज बन रहा था लज़ानिया। तो बहुत सिंपल सी ले रही इसकी, जो लोग खाते हैं जिनको पता होगा उनको तो पता ही होगा ऑब्वियसली कि इसमें जो है शीट्स बिछाकर ऊपर आपने कीमा डालना होता है, उसके ऊपर लेयरिंग करनी होती है चीज़ की, और ये सारी चीज़ें सॉस जो आपने बनाई होती है, और बस ये लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर लगाते जो लज़ानिया सेट करते रहो, उसके बाद इसको लास्ट पर हम करेंगे बेक, और बहुत ही यम्मी किस्म का लज़ानिया बनकर हो जाएगा रेडी। मुझे बहुत पसंद है लज़ानिया पास्ता, वाइट सॉस पास्ता आई थिंक मेरा ज़्यादा फेवरेट है। और बस यही थी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की, पहले हुरब को पिक किया, बारिश इंजॉय की, उसके बाद घर में आके लज़ानिया जो है वो बनाया, और इसके बाद ये इसकी लेयरिंग कितनी अच्छी लग रही है, और जैसे जैसे लेयरिंग हो रही है ये कितना मज़े का लग रहा है, दिल कर रहा है ऐसे खा लो। और वीडियो दोबारा से एडिट करते हुए मेरा फिर से दिल कर रहा है कि मैं इसको खाऊं और एंजॉय करूं, सीरियसली बहुत यम्मी बना। और बहुत ही स्पेशल मंथ चल रहा है, इसके बारे में तो मैं बात करना भूल ही गई, तो माशाल्लाह से 12 रबीउल अव्वल स्टार्ट हो चुका है, रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो चुका है, और कुछ ही दिनों में जो है 12 रबीउल आने वाला है, तो उसकी भी तैयारियाँ इंशाल्लाह चल रही हैं, देखें क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब तो बाहर निकलो तो इतने अच्छे लोगों ने घर डेकोरेट किए होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं देखकर। तो खैर बातों में ये देखें हमारा जी लज़ानिया हो गया बिल्कुल रेडी, और इसकी फाइनल लुक देख लें, और बहुत ही यम्मी बना था। मैं इस वक्त सिर्फ बता सकती हूँ, आपको टेस्ट नहीं करवा सकती, बट सीरियसली बहुत अच्छा बना था। पहले इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं यही करती हूँ, एंड आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ नई रूटीन के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत एप्रिसिएशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके सारे कमेंट्स और सारी चीज़ें पढ़ के। आप लोग ऐसे ही मोटिवेट करते रहें, ऐसे ही साथ देते रहें, थैंक यू सो मच।